जैन सभी को 24 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो आज आपका कंप्लीट हो गया। लगभग ओवरऑल आपका कल के जैसा पैटर्न आपका रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी इस बार इसमें थोड़ा चेंज हुई। तो क्या चेंज हुई? ओवरऑल आपका पेपर आज का लेवल ईजी रहा या हार्ड रहा? और लड़कियों की बात करें तो आपके लिए 180 से 200 के बीच में अगर आपके जनरल में नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आप सिलेक्शन लेंगी। तो एक बार ईमानदारी से बताइएगा कि आपने आज कितना प्रश्न अटैम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आप ने के सही हो रहे हैं, कितने में कितने गलत हो रहे हैं, एक बार कमेंट करके ईमानदारी से अपना बताना। और अला आपके एग्ज़ाम की बात करें, जैसे मैंने आपको बेहतरीन तरीके से गाइड किया था, अगर उस गाइड स्ट्रेटजी के जरिए आपने तैयारी किया होगा तो आप अच्छा करके आएंगे इस पेपर में। क्योंकि पेपर आप, मैंने कहा था आपको नोट्स से अपने पढ़िए, अपना सेल्फ स्टडी पे भरोसा रख के ज़्यादा ऑनलाइन पे ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपने पढ़ा सारा दिमाग का कचरा होगा, आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अनुभव है वही चीज़ें बता रहा था। मानसिक अभिरुचि के लिए मना किया था, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। अब आप समझ लीजिए मानसिक अभिरुचि आपकी नहीं आने वाली है। तो जिनका 30, 31 और 25 को भी एग्ज़ाम है वो लोग सेम पैटर्न से तैयारी करें, यही आपका पैटर्न रिपीट होने वाला है। जैसे कल आपका पेपर था, आज वही पेपर आया है, ठीक है? तो यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है, आपने अगर धैर्य बना के पेपर की तैयारी किया है, धैर्य से पेपर आप वहाँ कर रहे हैं, वहाँ आप अच्छा कर लेंगे। क्योंकि तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि मैं इतना कर लूँगा, हर शिफ्ट का लगता है कि उस शिफ्ट का पेपर ईजी होगा, लेकिन कुछ नहीं। जब आप सबको लगता है कि मेरी शिफ्ट टफ थी और उसकी ईजी, ऐसा सबके साथ हो रहा है, तो इस भ्रम में ना रहें। बाकी ओवरऑल लगभग हर शिफ्ट का पैटर्न सेम आ रहा है। मैथ रीजनिंग ने, मैथ और जीएस ने सबको परेशान किया है, और आपको इस हिसाब से कितना अब अपना सेफ अटैम्प्ट लेके चलना चाहिए बात करने वाला हूँ। तो और आला बात करें आपके हिंदी की, तो हिंदी अगर राजपाल की बुक से आपने तैयारी की है तो आप हिंदी में 30-32 आराम से कर देंगे, क्योंकि हिंदी के 8 ठीक ठाक प्रश्न थे, लगभग सही था हिंदी का एवरेज। और जीके की बात करें, जीके में कुछ प्रश्न ईजी थे, बाकी जैसे कल आपके जीके का लेवल था वैसे ही लगभग आज का आपका लेवल आया था जीके के लिए। और जीके में मैंने जो जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताया एक बार उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज भी आपके उसी से क्वेश्चन संबंधित आए हैं, एक बार जी को कर लीजिएगा। बाकी विवेक सर क्लास कराए उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया, बाकी विवेक सर जो आपको करवा रहे हैं उससे एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप कर सकें। क्योंकि उनकी मैराथन से क्लासेस में क्वेश्चन फंसे हैं, चाहे हिंदी की बात करें चाहे जीके की, तो उनके अंदर जो अनुभव है 8 सालों का वो किसी के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी कोई रिकॉर्ड बना रहा है क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है मुझे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका ठीक ठाक था, जैसे कल आया था वैसे ही। मैथ का लेवल में कुछ जो है क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव आए हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ आपका जैसे कल था, कुछ चीज़ें चेंज हुई। लगभग आपके इसमें 4-5 क्वेश्चन इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहे हैं कि उस पर समय, जैसे चक्रवर्ती ब्याज का 4 साल का ब्याज पूछ लिया, तो भाई 4 साल का बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे जाते हैं, 3 ही तक लोग करते हैं। इस टाइप के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका DI हर उसमें पूछा जा रहा है 4 से 5 क्वेश्चन, तो DI को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि DI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। और रीजनिंग में ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपको वैसे ही जैसे कल था वैसे ही याद था। तो जिनका 30 और 31 को है वो लोग भाई सेम पैटर्न से तैयारी करें। और आपका देखा जाए तो आज हिंदी का सेफ अटैम्प्ट आपके लिए 30 तक रहा है। GS का बात करें 15 से 18, 20 तक, 20 के ऊपर बहुत कम लोग होंगे, 20 के अंदर ही अंदर 15 से 20 के बीच में रहने वाला है। और मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके लगभग आज थे 25 से 28, तो 20 तक आपका बढ़िया सेफ अटैम्प्ट होगा। जो अगर मैथ की बेसिक तैयारी करके गया हो तो ऐसे क्वेश्चन है कि आप 10 कर सकते थे, जिनका बेसिक थोड़ा सही था, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक थी, वो 10 क्वेश्चन तक पहुँचा सकते थे। और बात करें आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बल आपके 48 प्रश्न लगभग थे, तो देखा जाए तो कुछ प्रश्नों में थोड़ा आपको समय लग रहा होगा, जिस वजह से आपके साथ छूट भी गए होंगे। तो लगभग वो प्रश्न माना जाए तो आपके 38 से 40 प्रश्न रहे होंगे, तो ये आपके लिए बढ़िया सेफ अटैम्प्ट हो सकता है रीजनिंग के लिए। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपका आज के लिए जनरल के लिए सेफ अटैम्प्ट हो सकता है 105 से 110। ये अगर आपने आपके बेहतरीन तरीके से सही बन रहे हैं मार्क्स तो आप 101% आपका सिलेक्शन होगा। और लड़कियों की बात करें तो 95 से 90 से 100 के बीच में जिनका अगर सेफ अटैम्प्ट हो रहा है वो बढ़िया करेंगे। बाकी सभी कैटेगरी वाइज अपना इससे कम लेके चलें। OBC की बात करें लड़कियों में तो 170 से 180 के बीच में लगभग ऐसे आपका चल गए। SC की बात करें 150 के आसपास, ST की बात करें 120 से 130 ऐसे आपका जाएगा। मैंने पहले भी आपको ओवरऑल कहा था आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, इसलिए भ्रम में ना रहें। और लड़कों की बात करें तो 105 से 110 जनरल हो गया, EWS 120 से 103, और बाकी इसी तरह से अपने देख लीजिए, क्योंकि सारे धुरंधर जो है परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, कोई कुछ भी बता रहा है बता नहीं दीजिए, जैसे था
जिनका लास्ट में एग्जाम है वो इस हिसाब से तैयारी कर लें, सांप का सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे आपने तैयारी किया है वैसे तैयारी करते रहें। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे आपको सारी किताबों के PDF मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है। तो टेलीग्राम आपके लिए रामबाण है, मैंने टेलीग्राम पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड करा, जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, तो पेपर के PDF भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मुझसे सीधा, अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझसे सीधा आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा।